السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته. Welcome to SJMAS Boys English Medium Primary School. Let's start with the another part of Unit 10, Malu Bhalu. Okay, half जो poem है वो हम कर चुके हैं, अब next part करेंगे. First things first, Malu's mom clasped Malu tight within her arms. Then she said, her voice was firm, "Now, my dear, you will have to swim." उसकी माँ ने क्या करा? पहले जो चीज़ सब में पहले जो चीज़ उसने क्या बोला था भालू ने कि she wants to go to play far away, and she wants to explore what is beyond the blue sky. Okay. तो उसकी मामा ने क्या बोला कि पहले जो चीज़ें सीखनी है वो पहले सीखो. क्लास्ट मालू टाइट विद इन हर आर्म्स, उसकी माँ ने उसको उसकी आर्म्स में, देखो साइड पे पिक दिया है, उनके आर्म्स में एकदम टाइटली पकड़ लिया, क्लास्ट कर लिया. उसके बाद बोला, हर वॉइस वॉज फॉर्म, उसका वॉइस बहुत फॉर्म था. Now, my dear, you will have to swim. अब तुमको स्विम करना पड़ेगा, तैरना ही पड़ेगा. अब तुमको स्विम, दैट मीन्स तैरना ही पड़ेगा. But ma said, Malu, what do I know? How will I have never swum before. Don't worry, dear, said Malu's mother. Do as I do, that's all, she advised her. पर मालू, what she said? मालू ने क्या बोला कि माँ, मुझे तो पता नहीं है, मुझे क्या पता चलेगा और मैं किस तरह से करूँगी, मैंने तो कभी पहले स्विमिंग कराई नहीं है. तो वो शीज मदर सेड, डोंट वरी डियर, ज़रा भी मत डरो, डू एज आई डू, मैं जिस तरह कर रही हूँ वैसा करो, दैट्स ऑल, फिर हो जाएगा. कि माने एडवाइस दी, एडवाइस देना दैट मीन्स के सलाह देना. She had no choice, no other way. Malu had to swim that day. Tight, she gripped her mother's hand into the water, splashed to land. उसके पास कोई choice नहीं थी, कोई दूसरा रास्ता नहीं था. So, Malu ने उस दिन swim करा, उस दिन वो तैरी पानी के अंदर. किस तरह से? तो उसने उसकी माँ का जो हाथ है वो tightly पकड़ लिया, gripped करना यानी पकड़ लेना. ओके, ग्रिप कर लेना, एक हाथ में दूसरा हाथ ग्रिप करना. पकड़ लिया अपनी माँ का हाथ. इनटू द वाटर, स्प्लैश टू लैंड, और जो पानी लैंड तक आता था उसके अंदर वो स्प्लैश कर रही थी. ब्रेव मदर्स ब्रेव यंग डॉटर, जिस तरह उसकी माँ ब्रेव थी इसी तरह मालू वालू भी ब्रेव डॉटर थी, ब्रेव माँ की ब्रेव डॉटर थी. डाउट एंड फियर शी लेफ्ट बिहाइंड हर, उसने जो पहले पूछा था कि व्हाट डू आई नो, हाउ विल आई, जो डाउट और डर था वो सब उसने कहीं पीछे छोड़ दिया था. मालू स्वाम विद ऑल हर माइंड, मालू उस दिन तैरी और अपनी पूरी ताकत लगा के तैरी. इट डिडंट मैटर रॉन्ग और राइट, और वो सही था या गलत था, वो सही तैरी या गलत, उससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता. बट स्विमिंग कैम सो नेचुरली, बट तैरना नेचुरली आ ही जाता है. हर मदर न्यू दिस एंड ऑल कुड सी, उसकी माँ को पता था और उसने वो देखा भी, क्योंकि जो चीज़ नेचुरल स्किल है वो आती ही है. जैसा कि बर्ड के जो यंग वंस होते हैं उनको उड़ना आ ही जाता है, इसी तरह फिश का जो यंग वंस होते हैं उनको तैरना आ ही जाता है. दैट्स अ नेचुरल थिंग्स. फियरलेस वॉज मालू दिस शी न्यू, उनको पता था कि मालू फियरलेस है, उसको डर नहीं है. नॉट जस्ट ब्रेव बट स्पेशल टू, वो सिर्फ ब्रेव ही नहीं है बट स्पेशल है, बिकॉज शी इज एंथुजियास्टिक, शी इज क्लेवर. ओके, तो यानी वो स्पेशल भी है, ब्रेव भी है और फियरलेस, उसे किसी का डर नहीं है. ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी पोएम कंप्लीट हो गई है और अब आपको मैं वर्कबुक का जो काम है वो भेजने वाली हूँ. ओके, अल्लाह हाफिज़.